इस वीडियो के अंदर हम सैनको गोल्ड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला ट्यूजडे जिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, 6 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे 405 करोड़ के लगभग कम यहाँ पे टोटल ये आईपीओ यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 270 करोड़ का यहाँ पे कंपनी फ्रेश इश्यू कर रही है, यानी कि वो पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अराउंड 135 करोड़ का जो यहाँ पे अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा, और वो यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 317 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी अभी शेयर में यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 47 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको 14,899 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल एचएनआई के लॉट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे आपको 208,586 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगाने वाले हैं, यानी कि अगर आपको मिनिमम एप्लीकेशन अगर लगानी है स्मॉल एचएनआई में तो आपको 658 शेयर की यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और बिग एचएनआई में मिनिमम जो एप्लीकेशन लगेगी वो यहाँ पे 3,196 शेयर की यहाँ पे एप्लीकेशन लगने वाली है। अब यहाँ पर इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर मैं अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 50 से 60 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 15-20% का यहाँ पर आपको लिस्टिंग इन यहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू हमें ये कंपनी का भी यहाँ पे नजर आता है, और जब तक ये आईपीओ क्लोज हमें होता हुआ नजर आएगा तब तक लोगों के पास में आइडिया फोर्ज का पैसा भी आ जाएगा और स्टैंड का पैसा भी हमें लोगों के पास में आता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि फिर से वो सारे लोग हमें इसमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए लगभग अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 95,000 के लगभग की एप्लीकेशन हमें यहाँ पे नजर आती है। मुझे लगता है कि लगभग 15-20 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 15-20 टाइम यहाँ पे रिटेल कोटा में यहाँ पे ये आईपीओ का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको अगर हम ये कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की भी अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। लगभग 2,500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो के लगभग ही हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है और कोई ज्यादा सस्ता नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो ज्वेलरी कंपनीज होती है कल्याण ज्वेलर्स की भी अगर हम बात करेंगे या फिर पीसी ज्वेलर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा वहां पे वैल्यूएशन नहीं मिलता है। लेकिन एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन में ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कोलकाता भी हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। मुझे यह लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 15-16 का पी रेशियो या अगर यहाँ से बुल मार्केट अभी चालू होगा तो वहाँ पे लगभग मार्केट 25-30 के लगभग का पी रेशियो भी मार्केट से लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 1-2 साल का अगर आपका नजरिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी डबल भी हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर ये कंपनी अगर 20-25% के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर इसे बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी 50-60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर आपके लिए कुछ ज्यादा टेबल पे बचेगा, यानी कि उसके बाद से कोई ज्यादा आपके रिटर्न बनेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर 50-60% प्रीमियम पे अगर ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी को आपने अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए इन कंपनी के अंदर मुझे मेन ये दिक्कत ये नजर आती है, क्योंकि अगर हम टाटा के तनिष्क की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो टाइटन की तनिष्क ज्वेलर्स है तो वहां पे ऑल ओवर इंडिया वहां पे जानता है कि हाँ भाई ये टाटा की कंपनी है तो वो लोग वहां जाके खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम सैनको गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ है। अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो आज अगर ऑल ओवर इंडिया अगर कल्याण ज्वेलर्स में जाके अगर ज्वेलरी खरीदता है तो वहाँ पे जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स चलने लगा है। और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 15-16 करोड़ आई थिंक अमिताभ बच्चन जी को ही उनको कल्याण ज्वेलर्स को देने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंपनी को भी वो चीज़ें करनी पड़ेगी, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, तभी आप ऑल ओवर इंडिया अपने यहाँ पे प्रेजेंस कर सकते हो। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी लगभग 136 शोरूम्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और उसमें से 70 ये कंपनी खुद ऑपरेट करती है और अराउंड 60-65 के जो इनके शोरूम्स है हमें यहाँ पे फ्रेंचाइजी बेस्ड यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ये बिजनेस चलना मुश्किल रहेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ है यानी कि लगभग जो 20-25% के लगभग की जो ग्रोथ आनी चाहिए वो मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगी। यानी कि आपका जो एरिया यानी कि जो वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया कोलकाता के आसपास वाला एरिया तो वहां पर ही आपका मेन बिजनेस मुझे मेरे ख्याल से चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ज्वेलरी का मेन दिक्कत ये कि आपके जो जान पहचान वाले लोग होते हैं आप वहां से जाके ज्वेलरी खरीदते हो, आप हर कैसे जाके ज्वेलरी नहीं खरीदते हो। ये नहीं बोलूंगा कि एक कंपनी को ही हर कोई है, लेकिन एक अच्छा आपका नाम होना चाहिए तो उसके बाद ही लोग वहां जाके ज्वेलरी खरीदते और आपका एक कलेक्शन वगैरह भी काफी अच्छा होना चाहिए।
भी वहाँ पर लोग जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि अकेली कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज मार्केट बड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइज मार्केट भी काफी बड़ा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज का मार्केट छिलना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट से मुझे यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। अभी 20-25% के लगभग का ग्रे मार्केट भी हमें दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे इश्यू साइज काफी छोटा है। अभी जिस तरीके से इतना फिनोमिनल रिस्पॉन्स हमें आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे अराउंड 40-50% के लगभग का लिस्टिंग गेन भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस अगर बढ़ाने तो मेरे ख्याल से BHNI में आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए अगर आपके पास में पड़े तो आपने मेरे ख्याल से BHNI में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सैनको गोल्ड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।